संदीप महेश्वरी सर, इनको कौन नहीं जानता। इनके चैनल पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर है और ये अपने जो 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है उसे छोड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ एक कारण से। कारण बस यही है कि अब से उनकी वीडियो पर ऐड आएंगे, वो नहीं चाहते कि उनकी वीडियो पर ऐड आए। जैसा कि आपको पता है यूट्यूब का कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था, उन्होंने क्लियर कर दिया 1 जून 2021 से सभी के चैनल पर ऐड आएंगे। जिनका चैनल मोनेटाइज है उस पर भी ऐड आएंगे और जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ हम उनकी वीडियो पर भी एड्स लाएंगे। तो जो कि संदीप महेश्वरी सर को पसंद नहीं है, उनका कहना है अगर मैं मेरी वीडियो में लाखों की बात कर रहा हूं और उस बीच में अगर कोई 2 करोड़ का ऐड आ जाए तो मेरी बात की क्या वैल्यू रहेगी। तो उन्होंने अभी तक उनके चैनल पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, अभी तक उनके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया इसी कारण से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि संदीप महेश्वरी सर अपना यूट्यूब चैनल ना छोड़े तो आज की इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके से जो उनकी यूट्यूब वीडियो है उस पर ऐड नहीं आएंगे और ये यूट्यूब की जो गाइडलाइन है, जो पॉलिसी है उसके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये दोनों तरीके पसंद आ जाए तो इस वीडियो को जरूर संदीप महेश्वरी सर तक जरूर पहुंचाइए जिससे वो अपना YouTube चैनल ना छोड़े। तो सबसे पहले मैं आपको वो पॉलिसी बता दूं, उस पॉलिसी में क्या लिखा था। तो दोस्तों उस अपडेट में बस इतना ही दिया गया था कि YouTube बोल रहा था कि ये हमारा अधिकार है कि हम किसी की भी वीडियो पे ऐड दिखा सकते हैं, भले ही आपका चैनल मोनेटाइज हो या फिर नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी की भी वीडियो पे ऐड दिखा सकते हैं, ये YouTube ने कहा था। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तब भी आपकी YouTube वीडियो पे हम ऐड दिखा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये YouTube ने उस अपडेट में कहा था। तो यहां पे मैं आपको 2 तरीके बता दूं, इन दोनों तरीके से हमारा खुद का अधिकार है कि हम हमारी वीडियो पे ऐड दिखा सकते हैं या फिर नहीं। इसके खिलाफ ना ही YouTube ने अभी कोई अपडेट दिया है और ना ही कोई पॉलिसी में लिखा है। तो वो दोनों तरीके क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों इसका जो पहला तरीका है वो पहला तरीका तो यही है कि जब हम हमारे चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं तो मोनेटाइज करने के बाद ये हमारा अधिकार बन जाता है कि भाई हम हमारी वीडियो पे ऐड इनेबल करें या फिर ना करें। तो ये हमारा अधिकार आज से नहीं, बहुत पहले से था कि हमें कितने ऐड लगाना है। अगर हम उन ऐड को इनेबल ही ना करें तो YouTube हमारी वीडियो पे ऐड ही नहीं दिखाता था, क्योंकि हमें खुद से उन ऐड को इनेबल करना रहता था। तो YouTube के उस अपडेट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि अगर इसके बाद भी अगर आप ऐड को इनेबल नहीं करते हो, मोनेटाइज होने के बाद इनेबल नहीं करते हो तो तब भी हम आपकी वीडियो पे एड्स दिखाएंगे। तो ऐसा ना कोई पॉलिसी में लिखा है और ना ही ऐसा उस अपडेट में आया था। तो यहाँ पे ये एक चीज़ हो सकती है कि हम चैनल मोनेटाइज कराने के बाद हमारी वीडियो पे एड्स इनेबल ना करें, तो हो सकता है कि यूट्यूब उन वीडियो पे एड्स ना दिखाएं। तो ये होगा इसका पहला तरीका। बात करते हैं सेकंड तरीके की कि सेकंड तरीका क्या है। तो भाई संदीप महेश्वरी सर को दिक्कत क्या थी कि उनकी जो वीडियो है उनके बीच में जो ऐड आ जाते थे उनसे उनको दिक्कत थी। तो मतलब उनका कहना था कि अगर मैं किसी बात को समझाता हूँ और उस बीच में अगर कोई ऐड आ जाए तो मेरी जो ऑडियंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस कारण से उनने उनका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भाई ऐड एक ही टाइप का नहीं रहता है, ऐड 4-5 टाइप के रहते हैं। तो आप क्या करो जो ऐड स्क्रीन पर आते हैं, जैसे कि स्किबल ऐड हुआ है जो कि वीडियो के बीच में आ जाते हैं, तो आप उन ऐड को डिसेबल कर दो। बाकी के जो और ऐड आते हैं जो स्क्रीन के नीचे आते हैं उन ऐड से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जो आपकी ऑडियंस जो आपकी वीडियो देखती है तो वो कंटिन्यू देखती रहेगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। जो नीचे जो ऐड आ रहे हैं उससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी जो ऑडियंस है वो लगातार आपकी वीडियो को देखती रहेगी। तो भाई इस टाइप से भी आप आपकी जो वीडियो है उस पर ऐड को डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों यही 2 तरीके हैं, इन दोनों तरीके से हम हमारी वीडियो के जो ऐड है उसे डिसेबल कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। और इसके बाद ही मैं ना ही उस अपडेट में लिखा था कि भाई इसके बाद भी हम आपकी वीडियो पे ऐड दिखाएंगे और ना ही कोई पॉलिसी में ऐसा कुछ लिखा है। तो भाई ये दोनों तरीके 101% वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीके पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर संदीप महेश्वरी सर तक जरूर पहुंचाएं जिससे वो अपना यूट्यूब चैनल ना छोड़े। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर लेना।